हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं टू पाई क्लासेस ट्राइंगल्स क्लास 9th एनसीईआरटी एग्जामिनर में। बच्चों, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सैंपल प्रॉब्लम। करेक्ट, सुनिए, आपको पता है जैसा कि एनसीईआरटी एग्जामिनर में हर एक एक्सरसाइज से पहले सैंपल प्रॉब्लम दिया रहता है, तो एक्सरसाइज 7.3 के पहले बच्चों आपको टोटल थ्री सैंपल प्रॉब्लम दी हुई हैं, उनको इस वीडियो में हम फिनिश करेंगे। करेक्ट, आप अपनी एनसीईआरटी एग्जामिनर वाली बुक में देख सकते हैं सैंपल प्रॉब्लम्स को। अच्छा, एक चीज़ और, जो बच्चे चैनल पे न्यू आए हैं, मैं आपको बता दूं कि आपको बच्चों इस चैनल पे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स का बहुत ही डिटेल कंटेंट, बहुत ही क्वालिटी कंटेंट मिल जाएगा। हर एक चैप्टर को हमने डिटेल में पढ़ाया है, साथ में हर एक चैप्टर का एनसीईआरटी का सॉल्यूशन और हर एक चैप्टर का एनसीईआरटी एग्जामिनर का सॉल्यूशन। प्लीज़ माइंड इट, मैंने बोला एनसीईआरटी एग्जामिनर का। जी हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स का बच्चों एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी हर एक चैप्टर को बहुत डिटेल में हमने यहाँ समझाया हुआ है। कहाँ मिलेगा? पिन कमेंट चेक करिए। पिन कमेंट क्या होता है? जो कमेंट सबसे ऊपर आ रहा है उसको पिन कमेंट बोलते हैं, वहाँ रीड मोड लिख के आ रहा होगा, उस पर क्लिक करिए बच्चों। बहुत सारे लिंक्स ओपन होकर आएंगे, आपको हर एक चैप्टर का लिंक वहाँ मिलेगा। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा चैप्टर कहाँ से फॉलो करना है, कैसे एग्जाम्पलर के लिंक आपको फॉलो करने हैं, तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो 7503644171 पे। करेक्ट, ये व्हाट्सएप नंबर बच्चों पेन कमेंट में भी गिवन है, वहाँ से भी आप इसको चेक कर सकते हो। कॉल मत करिएगा, बहुत सारे बच्चे कॉल कर देते हैं, कॉल मत करिए, व्हाट्सएप करिए ओनली, ओके, अगर आपको लिंक नहीं मिल रहा है। ये स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो बच्चों, दीज क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। सैम्पल प्रॉब्लम वन देखिए, आपको बोल रहा है कि PQ इज इक्वल टू PR, मतलब ये देखिए एक फिगर आपको गिवन है आपकी बुक में, ये PQ का लेंथ किसके इक्वल है? PR के। एंड एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R, तो एंगल Q जो है बेटा ये वाला एंगल, ये देखिए ये वाला जो एंगल है एंगल Q, ये एंगल R के इक्वल है, ये गिवन है आपको, ठीक है। तो PQ का लेंथ PR के इक्वल गिवन है और Q का लेंथ एंगल Q इज इक्वल टू व्हाट? एंगल R। आपको प्रूफ करना है कि ट्रायंगल PQS इज कॉन्ग्रुएंट टू PRT। तो बच्चों ध्यान से चेक करो, ये रहा आपका PQS और ये रहा आपका PRT, कोई डाउट है बताइए। अब देखिए, इसको बच्चे नहीं समझ पा रहे, बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, ये दिखाते हैं हम आपको कैसे। देखिए, आपके पास दो ट्राइंगल है, कौन कौन से? PQS, ये देखिए PQS में बच्चों ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल P, ये PQS में भी आ रहा है और यही एंगल आपका PRT में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा बताइए। अब आप ध्यान से चेक करो, पहले PQS को चेक करो, तो यहाँ पे देखो बेटा ये हो गया एंगल और फिर ये हो गई साइड, क्योंकि आपको पता है ना PQ किसके इक्वल है? PR के। तो ये देखिए एंगल, साइड और एंगल, और दूसरे वाले ट्राइंगल में यानी कि PRT में भी देखिए ये हो गया एंगल, क्योंकि आपको पता है PQ किसके इक्वल है? PR के। तो ये हो गया एंगल, फिर ये वाली आ जाएगी आपके पास साइड और ये आ जाएगा एंगल। तो एंगल साइड एंगल से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे बताइए? कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। अभी भी जिसको नहीं समझ में आया ना, बहुत ईजी, मैं आपको बताता हूँ, ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं। आप एक काम करो बेटा, देखो ये वाला जो ट्राइंगल है आपका कौन सा? PQS, इसको आप कट करके ऐसे बाहर निकाल लो। सोचो, ये देखिए बेटा यहाँ पे इस तरीके से ये आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा, बहुत ध्यान से चेक करो बेटा, PQS आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा, यहाँ पर P है, यहाँ पे S है और यहाँ पर क्या है? Q है। लीजिए, इसको कट करके हमने बाहर निकाल लिया। और दूसरा ट्राइंगल जो है आपके पास, ये देखिए PRT, ठीक है, इसको भी आप कट करके बाहर निकाल लीजिए, ठीक है। यहाँ पे बेटा मेरे पास जगह नहीं बचवा रही, यहाँ मैं बना देता हूँ, ठीक है ना, ये कुछ इस तरीके से, ये देखिए ये लीजिए। अब क्या दिक्कत है बताइए? यहाँ पे है आपके पास P, फिर इधर है आपके पास R और ये हो गया आपके पास T। अब आप जब इसको कट करके निकाल लिया, समझ रहे हो ना, ये देखो PQS को यहाँ पे फिट किया और PRT को निकाल के यहाँ पे फिट किया इस तरीके से, ठीक है। ये बस हम आपको दिखाना चाहते थे, ठीक है ना, अलग अलग, ताकि आपको फील आ जाए थोड़ा सा। तो बच्चों ध्यान से चेक करो, ये वाला जो एंगल है एंगल P, यही एंगल तो है, ठीक, और यही वाला एंगल ये है, ये लीजिए, क्या दिक्कत है? और क्वेश्चन में क्या गिवन है कि Q किसके इक्वल है? एंगल R के। तो ये लीजिए, ये Q किसके इक्वल है? एंगल R के। और क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है बताइए कि PQ का लेंथ किसके इक्वल है? PR के। तो ये देखिए PQ का लेंथ, ये PQ का लेंथ किसके इक्वल है? PR के। बेटा अब चेक करो, दोनों ट्राइंगल नहीं दिख रहे हैं आपको, एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रेंट है ना, ये देखिए एंगल, फिर साइड और फिर एंगल, और यहाँ पे देखिए एंगल साइड एंगल, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, फिर ये जो करस्पॉन्डिंग साइड है आपकी PQ, ये PR के इक्वल है, और फिर ये वाला जो एंगल है क्यू आर के इक्वल है। अब इस चीज़ को बच्चों हम लोग कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले हम हेडिंग लगाएंगे अपनी कॉपी में, क्या? इन ट्राइंगल PQS एंड ट्राइंगल PRT, ट्राइंगल PQS और PRT में बच्चों सबसे पहले आप ये वाले एंगल की बात करिए, तो PQS में ये वाला एंगल का नाम क्या हो जाएगा? QPS, ओके, तो एंगल QPS किसके इक्वल है? ये वाले एंगल का नाम कैसे रखोगे? TPR बोलोगे या RPT बोलोगे? तो जवाब है इसको RPT बोलो, क्यों? क्योंकि Q किसके करस्पॉन्डिंग है? R के, क्योंकि एंगल Q किसके इक्वल है? R के, ठीक है ना, तो इसको आप RPT बोलोगे, एंगल RPT
टी बोलोगे, करेक्ट। आप देख भी सकते हो यहां से पी किसके करस्पॉन्ड हो गया, पी के, क्यू किसके करस्पॉन्ड हो गया, आर के, और जो रिमेनिंग पॉइंट होगा एस वो ऑटोमेटिकली टी के करस्पॉन्ड हो जाएगा। तो एंगल क्यू पी एस इज इक्वल टू एंगल आर पी टी, तो ये वाला एंगल हमने इसके इक्वल दिखा दिया। नाउ अब बात करिए साइड की, तो पी क्यू इज इक्वल टू वॉट, पी आर, ठीक है, पी क्यू इज इक्वल्स टू पी आर। नाउ नेक्स्ट बच्चों, ये वाला जो एंगल है इस एंगल का नाम क्या रखोगे, पी क्यू एस, तो एंगल पी क्यू एस इज इक्वल्स टू, बात समझो, क्यू किसके इक्वल था, आर के, तो भाई क्यू को तुम क्या बोल सकते हो, पी क्यू एस, और आर को क्या बोल सकते हो, पी आर टी, करेक्ट। तो एंगल पी क्यू एस इज इक्वल्स टू वॉट, एंगल पी आर टी, तो लीजिए एंगल, फिर साइड, फिर एंगल, ये वाले ट्रायंगल में भी ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, तो एंगल साइड एंगल, यानी कि एंगल साइड एंगल से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट। तो हम क्या लिखेंगे, बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंसी रूल, ट्राइंगल पी क्यू एस इज कॉन्ग्रेंट टू वॉट, ट्राइंगल पी आर टी। बताइए कोई दिक्कत है, सिंपल है, ओके, नोट कर लीजिए। एम्पल प्रॉब्लम टू देखिए, टू लाइन सेगमेंट्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। तो ध्यान से रखिए चक्र बच्चों, दो लाइन सेगमेंट है, ये रहा आपका ए बी और ये रहा आपका सी डी, ये पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट करते हैं, दिख रहा है सबको, ये ऐसा देखिए, ये ए बी आपका, ये वाला ए बी लाइन सेगमेंट है और ये सी डी है, ये एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, पॉइंट ओ पे। कह रहा सच दैट बी सी इज पैरेलल टू डी ए। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये जो बी सी है ये डी ए के क्या है, पैरेलल है, ऐसा क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है, ठीक है, तो ध्यान दीजिए। जैसे उसने आपको बोल दिया बी सी इज इक्वल्स टू वॉट, डी ए, तुरंत आप यहाँ पर दिमाग लगा सकते हैं बच्चों, ये देखिए, ये अगर ऐसे करके दो लाइंस पैरेलल हैं तो यहाँ से ऐसे अगर जेड बन रहा है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा कि नहीं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो ये देखिए आपका क्या बोला इन्होंने, सच दैट बी सी इज पैरेलल टू डी ए, तो ये बी सी जो है वो डी ए के अगर पैरेलल है बेटा, तो ये चेक करिए दो जेड बन रहे हैं, एक तो ये ऐसे उल्टा जेड और एक ये ऐसे, ध्यान से चेक करिए, देखिए ये तो आपका एक ऐसे करके Z बन रहा है, हाँ ये सीधा ही Z है, ये देखिए ये इस तरीके से, करेक्ट। तो यानी कि ये वाला जो एंगल है आपका, ये वाला, ठीक है ना, ये एंगल, इसके नाम हम लोग बाद में रख लेंगे, लेकिन आप क्लियरली देख सकते हो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे जो एंगल B है ये किसके इक्वल हो जाएगा, A के, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। और इसी तरीके से बच्चों आप कुछ ऐसी सिचुएशन अगर कभी देखते हैं, ये देखिए ये थोड़ा सा Z का अगर मिरर इमेज बनेगा ऐसा कुछ, तो आपको पता है ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो यहाँ से देखिए ये वाला जो एंगल है, यहाँ से ये इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक। जब ऐसा हो जाएगा तो आगे देखते हैं कि क्या होता है, क्या सिचुएशन, क्या कंडीशन और दी हुई है। कह रहा बी सी इज इक्वल टू डी ए, तो बच्चों ध्यान से चेक करो, ये जो बी सी का लेंथ है ये किसके इक्वल है, डी ए के इक्वल है। अब ये दोनों ट्राइंगल बताइए कॉन्ग्रेंट हो गए कि नहीं हो गए, कैसे, एंगल साइड एंगल से, भाई चेक करिए ना, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो दोनों ट्राइंगल में एक एक एंगल इक्वल है, फिर ये वाली जो साइड है ये इसके इक्वल है, और फिर ये वाला जो एंगल है ऑल्टरनेट इंटीरियर से इसके इक्वल है। तो देखो एंगल साइड एंगल, यहाँ से देखो एंगल साइड एंगल से दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। लेकिन थोड़ा थोड़ा अगर आपको यहाँ पर फील आ रहा हो, बहुत ध्यान से चेक करिए, थोड़ा थोड़ा अगर आपको फील आ रहा हो तो आपको यहाँ करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स चेक कर लेने हैं। ये देखिए ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल है, यानी कि बी करस्पॉन्ड है किसके, ए के, है ना, ये लीजिए, ठीक। उसके बाद ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल है, यानी कि पॉइंट सी करस्पॉन्ड है किसके, बताइए, पॉइंट डी के। तो बच्चों आपको बी सी इज इक्वल्स टू क्या लिखना चाहिए, बताइए, जब आप प्रूफ करोगे अभी तो बी सी इज इक्वल्स टू आपको क्या लिखना चाहिए, बताइए, क्योंकि आप चेक कर सकते हो ना, पॉइंट ओ तो दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, बी करस्पॉन्ड हो गया ओ ए के और सी करस्पॉन्ड हो गया डी के, तो ऑब्वियसली ओ तो दोनों में कॉमन है तो ओ करस्पॉन्ड ओ के ही होगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, सुनिए, बी सी इज इक्वल्स टू क्या लिखना चाहिए, बताइए आपको बी सी इज इक्वल्स टू क्या लिखना चाहिए, ए डी की डी ए, हाँ यस, बी सी इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, ए डी लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये देखिए कुछ इस तरीके से, क्या यही क्वेश्चन में दिया हुआ था आपको, बी सी इज इक्वल्स टू डी ए देके आपको कन्फ्यूज किया हुआ है, एक्चुअल में वो लेंथ की बात कर रहे हैं, वो करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स आपको नहीं बताएंगे, वो आपको सोचना है, भाई आपको पता ना जितना ए डी लेंथ है उतना ही डी ए, लेकिन लिखोगे क्या आप, लिखोगे बी सी इज इक्वल्स टू व्हाट, डी ए नहीं लिखोगे आप, क्या लिखोगे, ए डी लिखोगे, क्योंकि बी की पोजीशन कौन लेगा, ए, और सी की पोजीशन कौन लेगा, डी, करेक्ट, क्योंकि बी का करस्पॉन्ड कौन है, ए, और सी का करस्पॉन्ड कौन है, पॉइंट डी, ओके। नाउ ये चीज़ें हो गई, अब देखिए प्रूफ क्या करना था, शो दैट ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ बोथ लाइन सेगमेंट ए बी एंड सी डी, बेटा आपको क्या दिखाना था कि ओ जो है मिड पॉइंट है किसका, ए बी का भी, और ओ मिड पॉइंट है किसका, सी डी का भी। देखो ओ अगर मिड पॉइंट है किसका, ए बी का, इसके लिए आपको क्या दिखाना पड़ेगा, ध्यान से सुनो, ओ जो है मिड पॉइंट है वो किसका, देखो बेटा आपको अलग से हम फिगर बना के दिखा रहे हैं, अलग से क्या, यहीं पे आप देख सकते हो, ओ अगर ए बी का मिड पॉइंट है तो उसका मतलब आपको दिखाना पड़ेगा ओ ए का लेंथ किसके इक्वल है, ओ बी के, यहाँ पे तीन निशान लगा देते हैं ऐसे, ठीक है। आपको प्रूफ क्या करना है, ओ ए इज इक्वल्स टू व्हाट, आपका टारगेट क्या है, यहाँ पे देखिए आपका टारगेट जो है वो एक तरीके से क्या है,
कि आप किसी तरीके से OA इज इक्वल्स टू क्या ले आओ, OB। भाई खुद दिमाग लगाओ ना, OA अगर OB के इक्वल आएगा तभी तो O क्या होगा, AB का मिड पॉइंट हो जाएगा, सही है ना। इसी तरीके से आपकी जिम्मेदारी है कि आप OC को किसके इक्वल लेके आए, OD के, तभी ये जो पॉइंट O है ये CD का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। यानी कि नेक्स्ट जो आपकी जिम्मेदारी है, ये चार निशान जो हमने लगाए हैं किस पे, OC पे, ये OC का लेंथ किसके इक्वल आना चाहिए, OD के इक्वल आना चाहिए, करेक्ट। और ऐसा तभी पॉसिबल है जब आप इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट कर देंगे, ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल को, किन दोनों ट्राइंगल को, नाम देखिए जरा, BCO, ठीक है, O मिड पॉइंट हो जाएगा किसका, AB का, जब OA इज इक्वल्स टू OB दिखा दोगे, और दूसरा OC इज इक्वल्स टू अगर OD दिखा दोगे तो O मिड पॉइंट हो जाएगा किसका, CD का, है ना। तो इस तरीके से ऐसा कब पॉसिबल है, जब ट्राइंगल BCO, जब ट्राइंगल BCO आपका कॉन्ग्रेंट हो जाए किसके, ट्राइंगल ADO के, ये आपका टारगेट है नीचे, ठीक है। ये इस तरीके से दोनों ट्राइंगल BCO को ADO के आप कॉन्ग्रेंट कर दीजिए। तो सॉल्यूशन देखिए, बहुत ईजी बच्चों, करना कुछ नहीं है इसमें। सॉल्यूशन में हम हेडिंग लगाएंगे इन ट्राइंगल BCO, क्योंकि करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स हम पहचान गए, BCO इज कॉन्ग्रेंट टू व्हाट, ADO आपका आना चाहिए, करेक्ट। B करस्पॉन्ड है A के, C करस्पॉन्ड है D के, O करस्पॉन्ड है O के, इन ट्राइंगल BCO एंड ट्राइंगल ADO। बच्चों ध्यान से चेक करिए, दोनों ट्राइंगल में क्या गिवन है आपको, आपको गिवन है BCDA के इक्वल है, यानी कि BCAD के भी इक्वल होगा, सही बात है ना, दोनों का लेंथ इक्वल है, तो ये चीज़ है। लेकिन उससे पहले हमने आपको बताया था ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल है। अब देखो बेटा, ये वाले एंगल का नाम क्या रखोगे, सोचो, OBC, करेक्ट। तो एंगल OBC इज इक्वल्स टू, अब सुनो, ये वाले एंगल के नाम रखने के आपके पास दो स्टाइल हैं, क्या, या तो उसको OAD बोलो, या तो आप इसको DAO बोलो, क्या बोलोगे बताओ, OAD बोलोगे, क्यों, क्योंकि इससे जो करस्पॉन्डिंग पॉइंट है वो आमने सामने आ जाएंगे, यानी कि एंगल OAD, चेक कर लीजिए, O करस्पॉन्ड हो गया O के, B करस्पॉन्ड हो गया A के, और C करस्पॉन्ड हो गया किसके, D के। तो एंगल OBC इज इक्वल्स टू एंगल OAD, रीजन क्या है, ऑल्टरनेट एंगल है ना, क्यों ऑल्टरनेट है बताइए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ना, है लिख लीजिएगा कॉपी में, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, करेक्ट, क्यों, क्योंकि BC किसके पैरेलल था, AD के, और ये जो BA है, BA इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, लाइंस एंड एंगल्स पढ़ के आ चुके हो आपको पता होगा। नाउ ये हो गया बेटा एंगल, उसके बाद ये वाला एंगल हमने कवर कर लिया, अब ये वाली साइड देखिए, BC इज इक्वल्स टू व्हाट, AD, करेक्ट। तो यहां से हमने लिखा क्या, BC इज इक्वल्स टू AD, ये गिवन है आपको क्वेश्चन में, और नेक्स्ट जो आता है बेटा आपका वो ये वाला एंगल आता है, करेक्ट। इस वाले एंगल का नाम क्या रखोगे, OCB, करेक्ट। तो एंगल OCB इज इक्वल्स टू, अब देखिए ये वाले एंगल का नाम क्या रखोगे, इसको आप ADO भी बोल सकते हो, लेकिन ODAB, लेकिन हम लोग क्या रखेंगे इसका नाम, ODA रखेंगे, ठीक है, करस्पॉन्डेंसी को देखते हो, ODA, OCB इज इक्वल्स टू व्हाट, OCB इज इक्वल्स टू ODA, लीजिए ये भी क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, लिख लीजिएगा। तो एंगल साइड एंगल से क्या हो गया, दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए। तो बाय एंगल साइड एंगल रूल, कॉन्ग्रेंसी रूल, ट्राइंगल BCO इज कॉन्ग्रेंट टू व्हाट, ट्राइंगल ADO। अब आप चेक करो, अगर BCO किसके कॉन्ग्रेंट हो गया, ADO के, तो हम क्लियरली बोल सकते हैं OA इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, OB, ठीक है ना। ये देखिए OA इज इक्वल्स टू व्हाट, OB। तो बाय CPCT मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, ठीक है। OA इज इक्वल्स टू व्हाट, OB। OA इज इक्वल्स टू क्या आ गया, OB। जैसे ही OA इज इक्वल्स टू OB आ गया, इसका मतलब क्या है, दिस इंप्लाइज व्हाट, कि O इज द मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, O इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। नाउ CPCT से ही आप बोल सकते हो कि OC किसके इक्वल आ जाएगा, OD के, चेक करिए OC इज इक्वल्स टू क्या आ गया, OD, है ना। तो नाउ अगेन बाय CPCT हम बोल सकते हैं क्या, कि OC इज इक्वल्स टू व्हाट, OD। तो OC ये लीजिए, OC इज इक्वल्स टू OD, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज व्हाट, कि O इज द मिड पॉइंट ऑफ, O इज द मिड पॉइंट ऑफ CD, हेंस प्रूव्ड। इस तरीके से हम इसको प्रूव करेंगे, ओके, कर लीजिए। एग्जांपल प्रॉब्लम 3 देखिए, आपको बोल रहा है PQ इज ग्रेटर देन PR, एक गिवन फिगर है। अब देखिए गिवन फिगर किस तरीके से, मैं आपको बता देता हूँ, फिगर मैं आपके सामने बनाऊंगा ताकि आपको फील है। देखो बेटा, एक ट्राइंगल है आपके पास PQR, ये इस तरीके से आपको इन्होंने फिगर दिया हुआ है, फिगर ना एग्जाम में इसमें दिया हुआ है आपको, ठीक, मैंने बनाया नहीं था, मैं आपके सामने बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है ना। तो ये देखिए, एक ट्राइंगल बेटा दिया हुआ था आपको, क्या, ट्राइंगल PQR इस तरीके से, और इन्होंने हमसे बोला था कि भाई PQ ग्रेटर है किससे, PR से। सुन लो मेरी बात बहुत ध्यान से,
देखो ये जो पी क्यू का लेंथ है ये पी आर से क्या है, ग्रेटर है, ठीक है। तो आपको फील कराने के लिए एक काम करता हूँ, मैं एक फील आपको देने के लिए मैं इसको इस तरीके से बना देता हूँ। ये लीजिए, अब आपको फील मिल रहा होगा कि यहाँ पर अच्छा पी क्यू ग्रेटर है ना, तो पी क्यू आपका ग्रेटर है। ये लीजिए, नाउ स्टूडेंट्स सैंपल प्रॉब्लम थ्री देखिए। तो इसमें एक फिगर आपको दिया हुआ है, एक ट्राइंगल दिया हुआ है पी क्यू आर, तो अभी मैं आपके सामने बनाऊंगा, ठीक है, ताकि आपको फील है। तो सुनिए, इस प्रॉब्लम में आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है पी क्यू आर, ये इस तरीके से बोला है कि पी क्यू इज ग्रेटर देन पी आर, है ना। तो ट्राइंगल पी क्यू आर में जो पी क्यू है वो पी आर से क्या है, ग्रेटर है, ठीक। तो ये कुछ इस तरीके से ट्राइंगल है, ये लीजिए, ठीक। यहाँ पे ये पी है और ये क्यू है और ये क्या है, आर है, करेक्ट। तो ये जो पी क्यू है ये पी आर से क्या है, ग्रेटर है, ठीक। अब सुनिए, जैसे ही उसने बोल दिया, अभी हालांकि और भी कुछ बोला है क्वेश्चन में, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्या, कि जैसे ही उसने बोला कि पी क्यू इज ग्रेटर देन पी आर, तुरंत आपको यहां पर समझ जाना चाहिए क्या कि पी क्यू के जो ऑपोजिट एंगल है, भाई क्या गिवन है, पी क्यू इज ग्रेटर देन वॉट पी आर, मतलब ये जो पी क्यू का लेंथ है ये पी आर से ग्रेटर है। तो आपको पता है क्या कि एंगल्स ऑपोजिट टू ग्रेटर साइड्स आर लॉन्गर, जो साइड ग्रेटर या फिर लॉन्गर होती है उसके ऑपोजिट वाला एंगल बड़ा होता है। तो चेक करो पी क्यू बड़ा है कि पी आर बड़ा है, पी क्यू बड़ा है, तो ये पी क्यू के ऑपोजिट वाला जो एंगल है यानी कि एंगल आर जो होगा वो ग्रेटर होगा किससे, पी आर के जो ऑपोजिट एंगल है एंगल क्यू से, सही है। तो यहां पर आपको एक हिंट मिल गया, ठीक है, मान लो हम यहीं से सॉल्यूशन कर रहे हैं तो हम बोलेंगे कि पी क्यू इज ग्रेटर देन पी आर, ये गिवन है। तो दिस इंप्लाइज हम बोल सकते हैं क्या, हम बोल सकते हैं कि भाई ये वाला जो एंगल है किसके ऑपोजिट, पी क्यू के ऑपोजिट, ये एंगल ग्रेटर है, यानी कि एंगल आर इज ग्रेटर देन वॉट, एंगल क्यू, करेक्ट। अब इस एंगल आर का नाम क्या है, इस एंगल आर का नाम है पी क्यू आर, है ना, सॉरी पी आर क्यू, यानी कि एंगल पी आर क्यू इज ग्रेटर देन वॉट दिस वाला एंगल, और ये वाला एंगल का नाम क्या है, एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर। बताइए कोई डाउट है यहाँ से, यहाँ पे रीजन क्या लिखेंगे बताइए, एंगल्स ऑपोजिट टू ग्रेटर साइड इज ग्रेटर, या फिर एंगल ऑपोजिट टू लार्जर साइड इज ग्रेटर, ठीक है, एंगल्स ऑपोजिट, एंगल ऑपोजिट टू ग्रेटर साइड इज लार्जर। कोई डाउट है बताइए, यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। अब सुनो बेटा, बहुत ध्यान सुनो, इन्होंने क्या बोला है कि क्यू एस एंड आर एस आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू एंड एंगल आर, बात समझो। देखो इसी फिगर में आपको यहां पर बहुत ध्यान से चेक करना है, जरा प्लीज फिगर आप लोग चेक करिएगा, ठीक है ना। ये देखिए जो एंगल ग्रेटर है उसको हमने डार्क कर दिया है, ये वाला एंगल ग्रेटर है और ये आपका लेस है, ठीक। अब सुनो, यहां पर इस ट्राइंगल के इंटीरियर में एक पॉइंट एस है, ठीक है, एक पॉइंट एस है सच दैट कि जो आपका क्यू एस है, यानी कि अगर हम क्यू को एस से ज्वाइन करें, ये देखिए ये अगर हम क्यू को एस से ज्वाइन करें तो जो क्यू एस है ना ये वाले एंगल का बाइसेक्टर है, मतलब ये जो क्यू एस है ये वाले एंगल का बाइसेक्टर है, मतलब ये जो क्यू एस है एंगल पी क्यू आर को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल हो जाएगा, यानी कि एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू व्हाट, एंगल एस क्यू आर हो जाएगा। इसी तरीके से जो आर एस है आपका, ये आर को एस से ज्वाइन कर दीजिए, ये आर एस ये वाले एंगल का बाइसेक्टर है, ये वाले का पूरे का, मतलब एंगल पी आर एस इज इक्वल टू व्हाट, एंगल एस आर क्यू, सही है। यानी कि बेटा ये वाला जो एंगल है इतना पोर्शन ये इसके इक्वल हो जाएगा। फिर इन्होंने बोला है कि प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है या फिर शो दैट एस क्यू इज ग्रेटर देन एस आर। तो बेटा ये जो एस क्यू है, देखिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं प्रूफ दैट में, पीटी का मतलब प्रूफ दैट एस क्यू इज ग्रेटर देन व्हाट, एस क्यू इज ग्रेटर देन एस आर। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, देखिए आप क्या बोल रहे हो, आप बोल रहे हो सर ये एस क्यू इज ग्रेटर देन एस आर तो नहीं दिखा पाएंगे हम, लेकिन हाँ एक काम कर देंगे क्या, बहुत ध्यान से चेक करिएगा कि एस क्यू के जो ऑपोजिट वाला एंगल है, ये देखिए इस एंगल का नाम क्या बताइए, एस आर क्यू। अगर हम किसी तरीके से क्या दिखा दें, एंगल एस आर क्यू ग्रेटर है किससे, अगर हम किसी तरीके से क्या दिखा दें, एंगल एस आर क्यू ग्रेटर है किससे, ये देखिए एस आर के जो ऑपोजिट वाली, एस आर के जो ऑपोजिट वाला एंगल है उससे अगर हम ग्रेटर दिखा दें, यानी कि एंगल एस आर क्यू को हम ग्रेटर दिखा दें किससे, एस क्यू आर से, एंगल एस क्यू आर से। अगर ऐसा दिखाने में आप कामयाब हो गए, ये आपका टारगेट हो गया, सुन लीजिए ये आपका टारगेट है, अगर ऐसा दिखाने में आप कामयाब हो गए क्या, एस आर क्यू इज ग्रेटर देन एस क्यू आर, मतलब ये वाला ग्रेटर हो गया
ये वाला लेस हो गया। अगर ऐसा दिखा दोगे तो ग्रेटर एंगल के जो ऑपोजिट वाली साइड होगी यानी कि एस क्यू वो ग्रेटर हो जाएगी किससे, एस आर से, ठीक। क्योंकि भाई चक्रो ना, ये वाला एंगल ग्रेटर हो जाएगा तो इसके ऑपोजिट वाली साइड भी क्या हो जाएगी ग्रेटर, ये वाला एंगल ग्रेटर और ये वाला एंगल लेस, ठीक है। तो इसके अपोजिट वाली साइड यानी कि एस क्यू ग्रेटर हो जाएगा किससे, इसके अपोजिट वाली साइड एस आर से, करेक्ट। तो ये आपका टारगेट है, ये आपको करना है। अब मेरी बात ध्यान सुनो, ऐसा कैसे करोगे, ऐसा कैसे करोगे, अभी अभी तो आपको रिलेशन पता है क्या, यहीं से सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया था, ठीक है ना, वो तो हमने रफ वर्क में सोचा। अभी अभी इसी के आगे मैं कर रहा हूँ, देखो एंगल पी आर क्यू इज ग्रेटर देन वॉट, एंगल पी क्यू आर, ये क्वेश्चन में गिवन है भाई, चेक करो ना, इन्होंने तो बोला है क्या, अब बोला कुछ नहीं है, मतलब हमने आपको बताया था ना कि पी क्यू किससे ग्रेटर है, पी आर से, चेक करिए पी क्यू किससे ग्रेटर है, पी आर से, तो पी क्यू के जो अपोजिट एंगल है ये वाला, यानी कि पी आर क्यू वो ग्रेटर किससे, पी क्यू आर से, ये बात हमने आपको बताई। अब सुनिए, किसी इनइक्वालिटी में, किसी इनइक्वालिटी में, ये इनइक्वालिटी इक्वालिटी नहीं है यहाँ पर, क्या इक्वल, इक्वल का साइन तो है नहीं, किसी इनइक्वालिटी में अगर आप पॉजिटिव नंबर से बोथ साइड डिवाइड कर दो तो उस इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, याद रखिएगा, किसी इनइक्वालिटी में अगर आप पॉजिटिव नंबर से बोथ साइड डिवाइड कर दो तो उस इनइक्वालिटी पे फर्क नहीं पड़ता है। सर समझ में नहीं आया, सुनो आइए समझाते बेटा। मान लो कहीं पर लिखा हुआ है 10 इज ग्रेटर देन 4, सॉरी 10 इज ग्रेटर देन मान लो 8 लिखा हुआ है, बताओ ये ट्रू है कि फॉल्स है, बताइए 10 इज ग्रेटर देन 8 लिखा हुआ है, बताइए ट्रू है कि फॉल्स है, बिल्कुल ट्रू है, 10 ग्रेटर होता है 8 से, हमें पता है। तो सुनो ये एक तरीके की इनइक्वालिटी है, अगर हम बोथ साइड 2 से डिवाइड लगा दें तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे कि देखिए 10 में भी 2 से डिवाइड लगाया, 8 में भी 2 से डिवाइड लगाया, तो अभी भी ये इनइक्वालिटी ट्रू होगी, क्यों, 10 बाय 2 कितना होता है 5 और 8 बाय 2 कितना होता है 4, ये लीजिए 5 भी तो 4 से ग्रेटर होता है, यानी कि यहाँ पर जब कोई इनइक्वालिटी दी उसमें अगर आप बोथ साइड 2 से डिवाइड लगा दो तो फर्क नहीं पड़ता है। तो आप क्या करोगे, आप इधर भी 2 से डिवाइड लगाओ, इधर भी 2 से डिवाइड लगाओ, तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर, डिवाइडिंग डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड, बोथ साइड आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, क्या हो जाएगा एंगल, ये वाला कौन सा एंगल था, एंगल पी आर क्यू है ना, पी आर क्यू था ये, तो पी आर क्यू इज ग्रेटर देन क्या था आपके पास, पी क्यू आर है ना, डिवाइडिंग बाई 2 इन लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज इन राइट हैंड साइड, जब आप बोथ साइड हाफ कर रहे हो, 2 से डिवाइड कर रहे हो मतलब बोथ साइड क्या कर रहे हो, आप हाफ कर रहे हो, तो एंगल पी आर क्यू का हाफ कितना है, जाके चेक करिए यहाँ पे, देखिए पी आर क्यू का हाफ कितना है, इसका हाफ कितना है, ये वाला एंगल नहीं है बताइए, और इस एंगल का नाम क्या है, अरे भाई चेक करो ना बेटा, ये जो एस आर था इसका बाइसेक्टर था ना, तो पी आर क्यू का हाफ एंगल कितना हो जाएगा बताइए, यानी कि पी आर क्यू डिवाइडेड बाई 2 की जगह आप ये वाला एंगल नहीं लिख सकते हो, ये वाला यानी कि एस आर क्यू लिख दोगे, बात समझ लो, इस पूरे की जगह ये क्या है, ये क्या है पढ़ो, ये हाफ ऑफ पी आर क्यू है ना, पी आर क्यू का हाफ कितना है, पी आर सॉरी एस आर क्यू, सही है, पी आर क्यू का हाफ कितना है, एस आर क्यू, तो पी आर इसको क्या पढ़ोगे, हाफ ऑफ पी आर क्यू, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, इसका हाफ, यानी कि एंगल एस आर क्यू, और ग्रेटर है बीच में तो ग्रेटर लगा देंगे, फिर पी क्यू आर का हाफ कितना है चेक करिए, ये देखिए इसका हाफ कितना है, ये है। अब बच्चे बोलेंगे सर ऊपर वाला क्यों नहीं लिया, वो हमें उससे कोई मतलब ही नहीं, क्वेश्चन में हमने आपको बताया था है ना, हालांकि इस पूरे एंगल का हाफ ये भी है बट उससे हमारा कोई यूज नहीं है, इसी तरीके से इस एंगल का हाफ ये भी ऊपर वाला भी, लेकिन इससे कोई हमारा यूज नहीं है, तो इस एंगल का हाफ कितना है, एस क्यू आर है, करेक्ट। तो पी क्यू आर का हाफ कितना हो गया, एंगल एस क्यू आर हो गया, करेक्ट, ये हो गया। अब बताइए आपको मैंने यही बोला था, एस आर क्यू इज ग्रेटर देन एस क्यू आर ले आओ, ये देखिए यही आपका टारगेट था, अगर ऐसा हो जाएगा तो आपने क्या दिखा दिया, आपने दिखा दिया कि ये वाला एंगल क्या है, इससे ग्रेटर है, कौन से ट्राइंगल में, एस क्यू आर में, इन ट्राइंगल एस क्यू आर, ध्यान से बेटा चेक करो, इन ट्राइंगल एस क्यू आर ये वाला जो एंगल है आपने इससे बड़ा दिखा दिया, यानी कि जो ग्रेटर एंगल है उसके ऑपोजिट वाली साइड, यानी कि एस क्यू ग्रेटर हो जाएगी किससे, एस आर से, कोई डाउट है बताइए, तो दिस इंप्लाइज वॉट, क्या हो गया, एस क्यू इज ग्रेटर देन वॉट, एस आर, और रीजन क्या लिखेंगे बताइए, रीजन क्या लिखेंगे, साइड ऑपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लार्जर, साइड ऑपोजिट टू द, साइड ऑपोजिट टू द ग्रेटर एंगल इज लार्जर, ओके कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 7.3 का जो सॉल्यूशन है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।